लक्सर शुगर मिल में गन्ना लेकर जा रहे युवक को गोली मार दी गई। आसपास के लोगों की मदद से स्वजन से अस्पताल में लेकर आए, जहां युवक का उपचार चल रहा है। युवक के पिता ने गांव के पिता व पुत्रों पर रंजिश के चलते युवक को गोली मारने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर उद गांव निवासी सोमपाल का गांव के ही चंद्रपाल के साथ विवाद चल रहा है। आरोपित की ओर से सोमपाल के बेटे इतेश के खिलाफ पूर्व में मुकदमा दर्ज कराया था। इतेश फिलहाल जमानत पर है। सोमपाल के अनुसार चंद्रपाल की ओर से उन्हें रंजिश के चलते लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसी बीच 24 मई की रात को इतेश मिल में गन्ना लेकर जा रहा था। आरोप है कि आरोपित चंद्रपाल व उसके दो बेटों प्रवेश व नरेंद्र ने बाइक सामने लगाकर उसके बेटे की ट्रैक्टर ट्राली को रुकवा लिया तथा धारदार हथियार से हमला कर उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इतेश ने जान बचाकर भागने का प्रयास किया, तभी उन्होंने जान से मारने की नीयत से तमंचे से उसे गोली मार दी। इससे इतेश वहीं गिर पड़ा। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों को आता देख आरोपित चले गए। जानकारी पर सोमपाल आदि मौके पर पहुंचे। युवक को घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। सोमपाल ने चंद्रपाल व उसके दो बेटों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। कोतवाल वीरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद बना चला आ रहा है। आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। लक्सर से गोपाल सैनी की रिपोर्ट। एक बाइक और तीन बंदे पट्टे गाड़ी में, तो उसने ट्रैक्टर के सामने ही मतलब की गाड़ी लगा ली और मैं वहाँ से उछल के भाग पड़ा, खेत में नीचे गिर गया, तो शहर उसने गोली चला। उस बंदे को जानते हो आप लोग? जी हाँ। क्या नाम है उसका? उसका नाम जी जिसके हाथ में कट्टा था उसका नाम तो है नरेंद्र कुमार, और जो उसके पिताजी का नाम है चंद्रपाल, और एक परवेज है। ये कहाँ के? ये रहने वाले थे एक बार पर बोल रही वहाँ से। अच्छा जी, उसमें और भी कोई है लग? जी नहीं, ये तीन बंदे थे, मैंने खुद देखे जिस टाइम इन्होंने मेरे ट्रैक्टर के सामने गाड़ी लगाई, ट्रैक्टर की लाइट मेरी ऑन रही, ट्रैक्टर भी स्टार्ट हुआ, जिस टाइम मेरे साथ ये नहीं घटना हुई। कल हमें सूचना मिली कि वहाँ कोई दो पक्षों में आपस में झगड़ा हो गया है, तो एक पक्ष को गोलियाँ लगी है, तो जब उसको मेडिकल कराया तो उसमें छले लगे हैं। तो मामले की जांच की जा रही है, भले हमने व्यवस्था मुकदमा प्रस्तुत कर लिया है, लेकिन व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि इनमें पहले भी इनमें झगड़ा चल रहा है, तो जैसी सत्यता पाई जाएगी वैसे कार्रवाई की जाएगी।